नमस्कार। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 1 है। उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका भाग 3 आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। भाग 3 आज हम करने जा रहे हैं। तीसरा भाग है 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। इस भाग को हमें करना है, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले हम इसे मिलाएंगे एक सरल समीकरण x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। ये बराबर है, क्योंकि यहां x है फिर a, यहां x है ये b, ये बराबर होता है एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के बराबर। ये सरल समीकरण है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसमें से सबसे पहला स्टेप आपको याद होगा, क्या करते हैं हम इन दोनों को आपस में मिलाकर देखते हैं। तो देखो यहां है x लेकिन यहां है 3x, यहां है x लेकिन यहां है 3x। इसका मतलब x किसके बराबर है? 3x के बराबर है, ठीक है बच्चों। यहां है a, यहां है 4, तो a किसके बराबर है? 4 के बराबर है। यहां है b, यहां है माइनस 5। देखो प्लस 5 नहीं है, माइनस 5। इसका मतलब ये b किसके बराबर होगा? माइनस 5 के बराबर होगा, माइनस 5 के बराबर होगा। इसे हमने अलग से लिख लिया है। अब हम ये तीन वैल्यूज इसमें रखेंगे। आइए देखते हैं कैसे। x का स्क्वायर, x किसके बराबर है? x की जगह x नहीं लिख देना बेटा। x किसके बराबर था? 3x के बराबर। तो x की जगह क्या आएगा? 3x। तो x का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर। ये समझे बेटा कि x जो है ये 3x के बराबर था। सरल समीकरण में x है लेकिन क्वेश्चन में है 3x, तो x की जगह हमें लिखना है 3x। ये है x का स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर। आगे है प्लस प्लस a। a किसके बराबर है? ये बड़ी ब्रैकेट डाल रहा हूं। a किसके बराबर है? a बराबर है 4 के, तो a की जगह 4। प्लस b, b है माइनस 5, तो ये लिखा माइनस 5। दो साइन इकट्ठे ना हो इसलिए छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट बंद। साथ में है x, x नहीं लिखना बेटा, x की जगह क्या लिखना है? 3x लिखना है, ठीक है बच्चों। प्लस ए बी, ए किसके बराबर है? 4 के, गुना b किसके बराबर है? माइनस 5 के। इसको भी हम बड़ी ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, आप इसको सीधी लाइन में लिख लीजिएगा। आगे देखिए, इसको अब हमने हल करना है। बहुत आसान है, देखो बड़े आराम से हल होगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में देखिए, प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 माइनस हुआ 1, साथ में साइन बड़ी रकम का माइनस 1, इंटू 3x, ठीक है। ये आगे हल होगा। आगे देखो, 4 पांचे 20, प्लस इंटू माइनस माइनस। ये समझ आया? प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 पांचे 20 आ गया। अगले स्टेप में इसे फिर से हल कर दो, 9x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 एकम 3x माइनस 20 यहां से उतारा। तो इस सरल समीकरण का प्रयोग करके हमने इसको हल करके इसका गुणनफल निकाल दिया है। आइए अब हम इस प्रश्न का चौथा भाग देखते हैं। चौथा भाग है, वाई स्क्वेयर प्लस 3 बटा 2 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 3 बटा 2, ठीक है बच्चों। इसको बच्चों ध्यान से देखना, ये बन गया, दो ही नंबर है वाई स्क्वेयर और 3 बटा 2, दोनों के बीच में यहां है प्लस, दोनों के बीच में यहां है माइनस, ठीक है बच्चों। तो ऐसी ही हमारे पास जो सरल समीकरण है वो है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस
वाई, देखो ये इसको एक्स मानो इसको वाई, तो इन दोनों के बीच में यहाँ प्लस है और इन दोनों के बीच में यहाँ माइनस है, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर के बराबर होता है। ये हमारी सर्वसमिका है। अब हम ध्यान से देखेंगे यहाँ एक्स किसके बराबर आया, वाई स्क्वेयर के, यहां एक्स है यहां वाई स्क्वेयर है, तो एक्स किसके बराबर है, वाई स्क्वेयर के। वाई किसके बराबर है, तीन बटा दो के बराबर है। वाई किसके बराबर है, तीन बटा दो के बराबर है। इन दोनों वैल्यूज को हम यहां डालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस वाई की जगह वाई स्क्वेयर प्लस तीन बटा दो इंटू वाई स्क्वेयर माइनस तीन बटा दो, ये किसके बराबर होगा, एक्स का स्क्वेयर। एक्स किसके बराबर है, वाई स्क्वेयर के। ध्यान से देखना, एक्स का स्क्वेयर, पहले तो मैं ये वाला स्क्वेयर यहां डाल देता हूं, ये वाला स्क्वेयर मैंने यहां डाला, अब है रह गया एक्स, एक्स है वाई स्क्वेयर के बराबर, यानी एक्स की जगह मेरे को लिखना है वाई स्क्वेयर। ये समझ आया? अभी आप सोचोगे ये दो स्क्वेयर कैसे आए, देखो ये स्क्वेयर आया क्योंकि एक्स का स्क्वेयर था, तो ये वाला टू तो मैंने यहां लिखा, उसके बाद बच गया एक्स, एक्स किसके बराबर है, वाई की पावर टू के, तो एक्स की जगह मैंने लिखा वाई की पावर टू, और एक पावर ये ऊपर भी थी। इसी प्रकार से वाई स्क्वेयर, वाई किसके बराबर है, तीन बटा दो, वाई का स्क्वेयर यानी तीन बटा दो का स्क्वेयर। अब हम इसे हल करेंगे, वाई की पावर टू की पावर टू, एक नंबर की दो पावर तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये बन गया वाई की पावर दो दुनी चार, बीच में है माइनस माइनस, तीन बटा दो की पावर दो, तीन की पावर दो यानी तीन तिया नौ, बटा दो की पावर दो यानी दो दुनी चार, ये हमारा उत्तर आ गया। यानी कि इसे हमने, ये जो हमारे पास ब्रैकेट थी, इसे सर्वसमिका की मदद से हमने सॉल्व किया और ये गुणनफल हमने निकाल दिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों भाग समझ आए होंगे, और यदि अच्छे से समझ आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो हमें हौसला मिलता है कि बच्चों को समझ आ रहे हैं हमारे वीडियोस। धन्यवाद।